प्राइस, थैंक यू। प्राइस काफ़ी हाई होंगे जैसे शोरूम प्राइस रहते हैं। एक मिनट जाके चेक करते हैं। ये देखिए आप, एप्पल पे सेक्शन है, आई थिंक सो हो गया। और ये ओहो, ये सेंट्रल फेस्टिवल मार्केट है, काफ़ी बहुत बढ़िया मार्केट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें का प्राइस काफ़ी हाई होंगे जैसे शोरूम प्राइसेस रहते हैं। बस ऐसी मार्केट है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको आया हूँ। से ये 155, 200, 250 कलेक्शन बहुत अच्छी है। अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप चाहते हैं कुछ इस तरीके का परचेज करना तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। और बाकी फूड आइटम्स भी काफ़ी फ्रेश फूड की अगर आप वैरायटियां देखेंगे तो फ्रेश फूड की वैरायटियां भी बहुत ज़्यादा हैं। आगे हम फर्स्ट फ्लोर पे इसके एलिवेटर लेके, और ये HM ब्रांड आप जानते ही हैं, काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड है, HM ब्रांड भी है। और इसके काफ़ी ऊपर काफ़ी फ्लोर्स हैं, बहुत सारे फ्लोर्स हैं, लेकिन मैं तो शायद इतना ज़्यादा ऊपर तक आपको नहीं दिखाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट। लेकिन यहाँ पे आप हर तरीके के, नीचे फूड कोर्ट भी है, क्लोथिंग है, सारे फैशन लेटेस्ट फैशन वाले क्लोथ्स हैं। और ये सेंट्रल मार्केट का शायद नक्शा है, ये बिल्डिंग है। आजकल यहाँ कुछ एक वीड बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है, वीड ओपनली बिकती है यहाँ पे, विच इज़ हार्मफुल फॉर एनीवन। आई डोंट रिकमेंड कि आप इस तरीके की चीज़ें परचेज करें, बट क्योंकि ये लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे सुन सुन के देख रहे हैं, ये ओपन बाइंग है। मीट वीट सारे के सारे जितने भी हैं, सारे के सारे वीट वाले ही हैं। पता नहीं क्या रखा है इनमें से, लोगों को इसी तरफ धकेलने के लिए शायद ये लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो, हो सकता है कि ये नॉमिनल हो, जो आम नशे वाली चीज़ है उस तरीके से हट के हों, लेकिन बहुत सारे शोरूम इस तरीके के खुले हुए हैं और लोग दिल खोल के खुश हो के ये चीज़ें बाय करते रहते हैं। ये देखिए सेंट्रल फेस्टिवल काफ़ी ऊपर तक है ये, और ये बिल्कुल हिल्टन होटल के नीचे है, हिल्टन होटल के। ये मसाज चेयर, अगर आप थक गए हैं, आपको चाहिए मसाज लेनी है, और मसाज एक तो मसाज ले भी सकते हैं इस पर फुट मसाज, और उसके साथ साथ ये सेल भी करते हैं। तो ये देखिए सामने काली डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी करके शायद ब्लॉगर्स वगैरह हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं।
यू। यहाँ का फूड सेक्शन है जो कि आप देख सकते हैं कितने लोग बैठे हैं, जिनको लगता है कि स्ट्रीट फूड नहीं लेना चाहिए, अंदर आके बैठ के खाना चाहिए, वो लोग यहाँ पे स्ट्रीट फूड टाइप की चीज़ें ले रहे हैं। एंड इट्स वेरी सुल्ताना वेरी नाइस प्लेस। अच्छा, इंडिया का समोसा भी मिलता है यहाँ पे। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक मिनट जाके चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये सारा नॉन वेज, इट सीम्स कि सारा नॉन वेज ही है। हाँ, नॉन वेज है ये सारा। सिंगापुर फ्राइड एंड स्पाइसी रोस्टेड डक, गुड। सैलेड बार में आप तरह तरह की चीज़ें के सैलेड का इंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ गुड वन एक्चुअली, सैलेड बार। आई लाइक सैलेड्स, सो दिस इज सैलेड बार इज़ वेरी गुड। ये यहाँ का डरियन फ्रूट, शायद मैंगो। देखिए, बाप रे बाप, काइंड ऑफ मैंगो, माय गॉड, गुड मैंगो, 129 95, माय गॉड, ओ माय गॉड, वेरी गुड वन। ये कुछ डिफरेंट ही फ्रूट है, देखेंगे ऐसी पैकिंग, ऐसी फ्रूट, ऐसी इस तरीके के आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। और ये देखिए आप, एप्पल, माय गॉड गुडनेस, एप्पल 27 पार्ट है शायद, वन पीस का, एंड बनता भी है इंडिया में तो इससे भी ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पे अगर आप एप्पल का ही सेक्शन है तो एप्पल का ही सेक्शन इतना बड़ा है। माई गॉड, लुक एट द एप्पल्स, माई गॉड, यू विल नॉट फाइंड दिस टाइप ऑफ वराइटी एप्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक सो। डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल्स, एंड दीज आर ऑरेंजेस, एंड वट इज दिस, ड्रैगन फ्रूट, दिस इज ड्रैगन फ्रूट। यू विल नॉट फाइंड दिस इन इंडिया, बट हेयर इन थाईलैंड इट्स कॉमन, बट दिस इज वेरी good and tasty one. And this side oranges, oh my god, this is different variety of oranges, everywhere you will find the oranges. And orange kinnu to nahi bol sakte isko, these are oranges, and ye shayad different kind ka orange, good one. यहाँ पे अगर एक सेक्शन में एक चीज़ रखी तो बस वही रखी है। अगर फ्रूट्स का आपने रियली खाना तो बाद में, पहले देखने से ही इंजॉय करना, तो जस्ट केम टू दिस प्लेस सेंट्रल फेस्टिवल, यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, इवन वेजिटेबल, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ वेजिटेबल यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, दी डेकोरेटेड। एंड टमाटर तो इंडिया में इतने महंगे हैं, शायद यहाँ पे उससे तो सस्ते ही होंगे, तो क्वालिटी वी हैव हेयर इन सेंट्रल फेस्टिवल मार्केट, वेजिटेबल, सी हाउ वेल डेकोरेटेड, ओ माय गॉड। दिखाना तो नहीं चाहिए था, ये शायद बीफ है, लेकिन इसलिए दिखा रहा हूँ कि हर लोगों वर्ल्ड वाइड बीफ भी कितना बिकता है, और काफ़ी
कॉस्टली भी है। ये सारा नॉन वेज सेक्शन है आई थिंक सो, फिशेज हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई। और वाओ द वैरायटी ऑफ वाइन लिकर, ओह माय गॉड, इट्स टोटली मैक्सिमम वाइन यू कैन सी। एंड देयर दैट साइड इज द टोटल वाइन एंड अदर फ्रूट्स, इससे ग्रॉसरी स्टोर वी कैन से। ये यहाँ पे KFC है, KFC में पता नहीं क्या चीज़ सही मिलती है क्या चीज़ सही नहीं मिलती, मुझे तो इंडिया में ही पसंद नहीं है तो यहाँ तो क्या ही खाऊँगा। और ये ओहो ब्रीफ केसेस 50% सेल लिखा है, लेकिन इससे ज़्यादा सस्ते आपको बाहर मार्केट में मिल सकते हैं। और ये यहाँ से एग्जिट, आप एक तरफ से इंटर किए थे और दूसरी तरफ से आप आउट कर सकते हैं। ये यहाँ की नाइट मार्केट है, नाइट मार्केट, यहाँ पे नाइट मार्केट में आपको काफ़ी सस्ते दामों पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा। मैंने लिया यहाँ से एक मैंगो शेक 80 वाट का, जो कि इस गर्मी में काफ़ी स्मूदिंग देता है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के बैगेजेस वगैरह मिलते हैं। ये तो मैं सिर्फ बाहर बाहर घूम रहा हूँ, इसके अगर देखेंगे तो अंदर हर एक गली में इस तरीके से मार्केट है। यहाँ पे आप टैटू बनवा सकते हैं, लोग टैटू बनवा रहे हैं, अपनी पीठ गुदवा रहे हैं, पता नहीं क्यों गुदवा रहे हैं, समझ नहीं आता। ये बैग्स, अगेन बैग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के बैग्स लटके हुए हैं, मुझे तो लेना नहीं है कुछ भी क्योंकि सब कुछ तो है। और यहाँ पे तो यहाँ से ले जाओ, फिर घर में पड़े यूज़ तो होते नहीं हैं, बट अब मार्केट देखेंगे काफ़ी बढ़िया है। ये तो मैं इसलिए आ गया कि चलो नाइट मार्केट में भी आपको दिखा देता हूँ। टी शर्ट्स, CK की टी शर्ट्स काफ़ी सुंदर है। ये इसी तरीके से सारे के सारे, अब मैं सारा तो दिखा नहीं पाऊँगा पर, लेकिन गारमेंट्स की इस तरीके से नाइट मार्केट है। यहाँ पे निक्कर मेरा मन का था लेने का, लेकिन अभी कुछ नहीं ले रहा मैं।
और ये सोई 7 से निकलने के बाद अगर आप 50 कदम भी नहीं चलोगे, ये आ जाता है हिल्टन होटल और इसके अंदर है सेंट्रल वर्ल्ड, जो कि यहाँ का सेंट्रल वर्ल्ड नहीं, सेंट्रल फेस्टिवल, जो कि यहाँ की एक बहुत ही पॉश अच्छी हाई क्लास मार्केट है। तो आप उसका भी दर्शन कर सकते हैं मेरे वीडियो के थ्रू। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या कॉस्ट है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन ना हो वीडियो बनाने में। तो